प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अपडेट्स चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज हम हमारी पृथ्वी के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं। मैं हूं सत्यजीत पुरकायस्थ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए और वीडियो को बेहतर और आकर्षक बनाने के लिए अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे अवगत कराने की कृपा करें। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों हम कहाँ रहते हैं? निश्चित तौर पर आप अपने गांव व शहर का नाम लेंगे। यदि मैं बोलूं आपका गांव कहाँ है तो आप जिले, राज्य और अपना देश का नाम बताएंगे। फिर देश, महाद्वीपों पर महाद्वीप कहाँ पर है, विशाल समुद्र कहाँ है, बड़े बड़े पर्वत, विशाल जंगल और वायुमंडल कहाँ है, रेगिस्तान कहाँ है, तमाम सवालों का समूह हमारे मस्तिष्क पर है। सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, हमारी पृथ्वी। जी हाँ, जहाँ सजीव हैं और उनके आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधन, वायु, जल, मृदा और भोजन, सब कुछ इसी पृथ्वी पर ही तो है। अब आप जान गए होंगे कि हम कहाँ रहते हैं। यह तो धरती है जहाँ हम रहते हैं, इसी को पृथ्वी कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी चपटी है या पृथ्वी खोखली है? देखिए यह वीडियो और बताइए। जी हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल सही समझा। हमारी पृथ्वी गोल है, अंदर से बिल्कुल ठोस, और वह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है। हम जब अपने धरती को देखते हैं तो वह चपटी नजर आती है, लेकिन यदि अंतरिक्ष से देखें तो यह गोलाकार विशाल नीले रंग का पिंड दिखाई देता है, जिसमें विशाल मैदान, मरुस्थल, पहाड़, नदियाँ, झीलें और महासागर हैं। इस प्रकार हम जान गए पृथ्वी बाहर से ठोस गोलाकार दिखाई देता है। हम अक्सर कहते हैं ना, पृथ्वी गेंद के समान होती है। तो गेंद कौन सा गेंद? फुटबॉल नहीं, क्योंकि फुटबॉल तो अंदर से खोखली होती है, कार्क की गेंद। हमारी पृथ्वी ठोस है। अगर हम इसकी आंतरिक संरचना देखें तो पृथ्वी इस प्रकार दिखाई देती है। ऊपर का भाग जिसको हम भूपट्टी कहते हैं, पृथ्वी का सबसे बाहरी परत जिसमें महाद्वीप, महासागर स्थित हैं, भूपट्टी या भूतल कहते हैं, जहाँ जीवधारियों को जीवित रहने तथा वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पदार्थ जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी तथा खनिज उपलब्ध होते हैं। अब देखते हैं भूपटल पर क्या क्या पाया जाता है। इसमें मृत पौधों एवं जंतुओं के सड़े गले पदार्थ अवशेष होते हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ बनती है और हम खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, कोयला, चूना, पत्थर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें आदि इसी परत से भी प्राप्त होती है, जिससे हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ पूरी होती है। दूसरा भाग है जो पृथ्वी का मध्य भाग कहलाता है, जिसको हम प्रावार कहते हैं, जो पिघली हुई चट्टानों से बनी मोटी परत होती है। यह पृथ्वी की मध्य परत है, जिसमें पिघली हुई चट्टानों के साथ साथ विभिन्न गैसें भी पाई जाती हैं। तीसरा अंतिम भाग जो सबसे बीच का भाग कहलाता है, उसे हम क्रोट कहते हैं। प्रवार के नीचे यह स्थित होता है, भीतरी भाग। ऐसा माना जाता है कि इसके केंद्रीय भाग में लोहा तथा निकल धातु ठोस रूप में, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों आपने समझ लिया पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक संरचना। अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।